नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक पे आपका स्वागत है। आज के इस डेली राउंडअप के एपिसोड में आइए बात करते हैं देश और दुनिया की। सामाजिक संघर्ष से जुड़े हुए बहुत सारे संगठन मौजूदा समय में देश के सबसे अहम मुद्दों को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 9 दिवसीय विरोध प्रदर्शन 30 जनवरी से जारी है। इस विरोध प्रदर्शन में नौजवानों से लेकर किसान और भूतपूर्व सैनिकों से लेकर महिलाओं तक अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं ताकि सरकार अपने नागरिकों की बात सुने। आज एडवा ने महिला आरक्षण बिल और महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। न्यूज़लिक की टीम ने जंतर मंतर जाकर प्रदर्शनकारियों से बात की। आइए सुनते हैं कि उनका इन मुद्दों पर क्या कहना है। The Women's Reservation Bill has been hanging for the last almost 20-25 years. And every government that comes to power, and including the BJP Modi government, has said that they will pass the bill. It is extremely necessary because even after 72 years of independence, we are finding that women representatives in the assembly and in the parliament is very less. It's never reached more than 10-11%. Now, that is impacting on raising women's issues, which are very vital issues. Women have an equal right to become representatives of the people in the country. वामदलों के आवाहन पर रविवार 3 फरवरी की सुबह कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में 10 लाख लोगों ने लाल झंडों के साथ मोदी हटाओ देश बचाओ और ममता हटाओ बंगाल बचाओ के नारे के साथ ब्रिगेड ग्राउंड को लाल समंदर में परिवर्तित कर दिया। लेकिन इस लाखों के सैलाब को मीडिया ने पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया। उसी दिन शाम से पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। चिटफंड घोटाले में सीबीआई का कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर छापा मारना, स्थानीय पुलिस द्वारा उसे रोकना और हिरासत में लेना, फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरने पर बैठना और पूरा घटनाक्रम सुर्खियों में बना हुआ है। इसे लेकर सोमवार को संसद में भी हंगामा हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय ने कमिश्नर राजीव कुमार को शारदा चिटफंड घोटाले मामले में सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और सीबीआई से कहा कि उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई ना की जाए। और आज अंतर्राष्ट्रीय खबर में बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में एटीजी सिलोन कंपनी के बगान श्रमिकों के यूनियन लीडरों को 3 हफ्ते पहले बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने मालिकों की जानकारी के बिना ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। एटीजी सिलोन एक ब्रिटिश श्रीलंकन कंपनी है। वहाँ के मजदूरों ने अपने यूनियन लीडरों की बहाली के लिए 31 जनवरी को श्रीलंकन प्रधानमंत्री के घर के सामने भी धरना दिया था। कंपनी की मैनेजमेंट ने उन यूनियन के बर्खास्त किए गए नेताओं को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस धरने पर भी नहीं बैठने दिया। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को भी उस दिन ज्ञापन पेश किया। आज के लिए बस इतना ही। इन खबरों या अन्य खबरों को अंग्रेजी में और विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.newsclick.in और हिंदी में विस्तार से जानने के लिए www.newsclickhindi.in देखें। फेसबुक पर हमारे न्यूज क्लिक और न्यूज क्लिक हिंदी पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।